स्वागत है टेक्निकल मॉन्क यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पुणे जंक्शन से बनारस जंक्शन के लिए ट्रेन, यदि आप दिवाली पर भी आना चाहते हैं तब भी, या स्पेशल ट्रेन देखना चाहते हैं, तो उन सभी से रिलेटेड आज की इस वीडियो में हम लोग कम्प्लीट जानेंगे। तो मात्र एक से डेढ़ मिनट में आपको ये वीडियो कम्प्लीट हो जाएगी, तो फुल वीडियो को वॉच करें। और आपको क्या क्वेश्चन है, कौन सी ट्रेन में आना चाहते हैं, या कोई आपको सजेशन चाहिए ट्रेन से रिलेटेड कि इस ट्रेन में हमें 100% टिकट कन्फर्म चाहिए, कोई ट्रिक बताइए, तो मैं उस पर भी वीडियोज आपको ला करके दे दूंगा। बहुत जल्दी वीडियोज आपको मिल जाएगी, आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जैसे ही आपको कोई भी ट्रेन वगैरह बुकिंग करना हो, तो सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन। जैसे इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। तो आपको आ जाना है सिंपल बुक टिकट पर, फर्स्ट आइकन है बुक टिकट पर। जैसे ही आ जाएंगे तो फ्रॉम और टू अपना सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि हमने फ्रॉम में सेलेक्ट कर लिया है पुणे, हम टू में सेलेक्ट करते हैं बनारस जंक्शन। तो हम सीधे यहाँ पर टू पर क्लिक करते हैं और बनारस जंक्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद कोई सा भी एक नॉर्मल सा हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें अक्टूबर मंथ में न जाकर के हमें नवंबर मंथ में जाना है दिवाली के टाइम पर। हम दिवाली के टाइम पर 1 नवंबर पर हम क्लिक करते हैं और सर्च ट्रेन पर हम क्लिक करेंगे। यदि आप स्पेशल ट्रेन वाला ढूंढ रहे हैं तो सबसे रामबाड़ ट्रिक यही है, स्पेशल ट्रेन देखने के लिए आपको आ जाना है, यहाँ बैक कर लीजिए एक बार और यहाँ पर फ्लेक्सिबल डेट पर क्लिक करिए और सर्च ट्रेन पर क्लिक कर दीजिए। यदि उस रूट पर कोई भी फेस्टिवल ट्रेन चल रही होगी तो यहाँ पर एक ग्रीन कलर का ऑप्शन आप लोगों को दिख जाता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि कैसे फेस्टिवल ट्रेन वगैरह आपको चेक करनी है, तो यहीं पर आपको ग्रीन कट मिल जाएगा देखने को। तो अभी इस रूट पर कोई भी फेस्टिवल ट्रेन अवेलेबल नहीं है, जैसे ही अवेलेबल होती है मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। फिलहाल के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि सभी वीडियो का अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके, और यहीं से अवेलेबिलिटी वगैरह आप देख सकते हैं कि आपके टिकट्स वगैरह अवेलेबल है कि नहीं। तो अभी यदि स्पेशल ट्रेन के इंतज़ार में है तो प्लीज़ वेट करिए, बहुत जल्दी स्पेशल ट्रेन अनाउंसमेंट होते ही अपडेट हो जाएगी। तो आप डेली बाई डेली IRCTC एप्लीकेशन पर चेक करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए बाय बाय।